विद्यार्थियों, वैदिक गणित की इस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम अपने पांच सूत्र के बारे में बेसिक कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण सूत्र करेंगे, जो हमारा सूत्र 6 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो और आज के लिए जो सूत्र है वो है अनुरूपीय शून्यम अन्यत, अनुरूपीय शून्यम अन्यत। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो सकती है क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो सूत्र का नाम है अनुरूपीय शून्यम अन्यत। यहां पे अगर इसका संधि विच्छेद करें तो शून्यम प्लस अन्यत, मतलब शून्य और अन्यत मतलब अन्य। तो इसके बारे में अनुरूपीय मतलब अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इस सूत्र के अर्थ की हम बात करें तो सूत्र का अर्थ है यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य होगा, यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य होगा। तो यहां पे ये शब्द सूत्र है, यानी कि छोटा सा हिंट दे दिया है, उससे आपको मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये है इफ वन इज इन रेशियो देन अदर विल बी जीरो, इफ वन इज इन रेशियो देन अदर विल बी जीरो। तो इसका जो उपयोग है वो समझते हैं कहां पे इसका उपयोग होता है। समीकरण युग्म में एक चर का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें दूसरे चर के गुणांकों का अनुपात एचर पदों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो यहां पे इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड वेरिएबल इज इन रेशियो विद द कॉन्स्टेंट टर्म। यहां पे जो चर है, चर मींस वेरिएबल, चर मींस वेरिएबल, जो एचर है उसका मतलब कॉन्स्टेंट से। समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद है जो गुणांक है मींस कोफिशिएंट, ये जो टर्म्स अनुपात रेशियो, ये टर्म्स है जो उनका इंग्लिश में अर्थ लिखा गया ताकि इंग्लिश मीडियम भी वाले भी इसको अच्छे से समझ सके। अब देखो यहां पे जो हमारा सूत्र है अनुरूपीय शून्यम अन्यत, इसका अर्थ है यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य होगा, इफ वन इज इन रेशियो देन अदर विल बी जीरो। तो प्यारे बच्चे, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, जैसे थर्ड से लेके और नाइन्थ तक के कह सकते हैं आप, उनको इस सूत्र के बारे में पता होना चाहिए और इसका जो अर्थ है उसके बारे में वो परिचित होने चाहिए। और जो टेंथ, टेन प्लस वन, टेन प्लस टू या फिर इससे हायर क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अब वो उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको समझते हैं कि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो टेंथ और टेंथ से अबव के लिए जो सूत्र है हमारा। अब सपोज करो आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, इक्वेशन सोल्व करने का मतलब यह है इसमें x और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जो फेमस विधि है। अब यहां से हमें जैसे x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो यहां पे 2x है और यहां पे 4x है, तो इसको ये हमारा इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12।
यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 4x 4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 5y और 6y माइनस के, तो माइनस का y आ जाएगा और ये जीरो, तो यहां से सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ जाती है जीरो। अब आप देखिए, अब हम y का जो मान है समीकरण एक में रख देते हैं, y का मान समीकरण एक में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर वन, देन इट बिकम्स 2x प्लस 3 इंटू वाई, जीरो है हमारा, दैट इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 0 है, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। और अगर ये कुछ ऐसे हो जाए कि यहां पे 3x आ जाए, यहां पे 5x आ जाए, तो फिर हम यहां पे मान लो 3x आ गया, यहां पे 5x आ गया, तो यहां इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। यानी कि मीन्स हमें क्या करना होता है, कोफिशियंट्स हैं वो बराबर बनाने होते हैं, इक्वल बनाने होते हैं। अब इसको अनुरूपीय शून्य मान्यत सूत्र से कैसे करेंगे, अनुरूपीय शून्य मान्यत सूत्र कहता है कि यदि एक अनुपात में है, अनुपात चेक करो, जो चर है, जो वेरिएबल है, उसके कोएफिशिएंट है, देखो यहां पे 2/4, 2/4 को जब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 मिल गया। इसी तरह से y के लिए 3/5, इसे तो 3/5 मिलेगा क्योंकि तो कैंसिल होता नहीं है। तीसरा जो एचआर है यहां पे 6 और 12, इसको जब सोल्व करेंगे 1 और 2 आ गया। अब देखो हमारे पास 3 अनुपात है, 3 रेशियोज है, एक तो है 1/2, 1:2 भी कह सकते हैं, एक है 3/5 और एक है हमारे पास 1/2। अब देखो 1/2 और 1/2 ये इक्वल है, तो ये किसके लिए थे, एक्स के लिए, एक्स के लिए इक्वल है। अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि समीकरण युग्म में एक चर का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसमें दूसरे चर के गुणांकों का अनुपात एचर पदों के अनुपात के बराबर हो। अब देखो इसका अनुपात एचर पदों के अनुपात के बराबर है, तो इसका जो अर्थ हुआ, जो सूत्र है, इफ वन इज इन रेशियो, देखो ये इसके साथ अनुपात में आ गया, इफ वन इज, यदि एक अनुपात में है तो ये इसके अनुपात में आ गया, इसका मतलब जो दूसरा है वो जीरो होगा, इट मींस दूसरा जो है वो जीरो होगा, इसका मतलब जो वाई का मान आ गया वो कितना आ गया, जीरो आ गया, तो वाई हमारा जीरो हो गया। अब अगर वाई जीरो हो गया तो यहां पे 2x, ये तो जीरो हो जाएगा सारा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। देखो चेक करो, x 3 आया, y 0 आया, तो बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले, अगर हमने लिया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और यहां पे ले लिया 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 30, तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालो, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनसे तो हमें 3/7 ही मिला, 3/7, y के जो कोएफिशिएंट हैं उनसे 5/10, 5/10 कैंसिल करने पे आ जाएगा 1/2, ये 3/7 ही है, और यहां से 15 जा 15 2 जा, तो 1/2। अब आप देखिए ये इसके इक्वल है, जो y के कोएफिशिएंट है, यानी कि ये यहां से ये अनुपात बराबर है, तो अगर ये अनुपात बराबर है तो ये वाला जो चर है उसका मान जीरो होगा, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, जीरो, तो x जीरो है। और अगर x जीरो है तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 15, सॉरी
एक्स तो जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो रखेंगे तो ये तो पार्ट सारा ही जीरो हो जाएगा, इसमें रख देते हैं हम इक्वेशन वन में, तो एक्स जीरो है तो ये सारा जीरो। फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन डिवाइड बाई फाइव, फिफ्टीन के डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे ही आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर सकते हो, यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप उसको ओरल सोल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।